बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज हम 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक भी पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे मजीद क्वेश्चंस पर जाते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे मजीद जो है 22 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस लेक्चर में ये कवर कर लें हम, ठीक है, कंप्लीट कर लें ये एक्सरसाइज जो है 3.3। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें फंक्शन गिवन है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि डी थीटा साथ मौजूद है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आगे चल रहा है अभी तक, ठीक है, और इस एक्सरसाइज के एंड तक वही चलेगा कि हमने कोई भी मेथड यूज़ करके, कोई फार्मूला, कोई थ्योरम या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर सॉल्व करके, कोई भी मेथड यूज़ करके हमने जो है गिवन फंक्शंस के इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कौन सा फार्मूला या कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर कौन से किस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट यानी कि सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखें, अगर निचले यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है उसको हम अगर फंक्शन कंसिडर करें और उस न्यूमरेटर में देखें तो क्या उसका यानी कि डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं, तो वो थ्योरम तो यहाँ पर नहीं बन रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनता है, ठीक है। तो यानी कि और न्यूमरेटर में हमारे पास वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला थ्योरम तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अलावा इसको हम ऊपर लेके जा नहीं सकते। तो ऐसा है कि हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ होती है। अगर देखें तो यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा की जगह अगर एक्स होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसे हम इसका इंटीग्रल आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा है, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर होता तो फिर हम बहुत आसानी से यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर नहीं है तो क्यों ना हम इसको बना लें, कॉस थीटा को हम एक्स सपोज कर लें, ठीक है। तो चलें हम यहाँ पर इसको cos theta को x सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल टू cos theta, अगर x इज इक्वल टू cos theta है तो इसको डिफरेंशियल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, dx एक्स इज इक्वल टू cos theta का डिफरेंशियल क्या बनेगा, माइनस साइन theta इंटू डी theta, ठीक है। तो dx किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन theta d theta, लेकिन यहाँ पर हमने क्या और करना है कि फंक्शन में यानी कि क्वेश्चन में हमने डी थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो डी थीटा यानी कि गिवन है तो उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। डिफरेंशियल ये हमने फाइंड किया तो डी थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर साइन थीटा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हम यानी कि डी थीटा की जगह हम अब यूज़ कर सकते हैं, और एक्स की जगह कॉस थीटा की जगह हम एक्स यूज़ करेंगे और डी थीटा की जगह हम माइनस वन ओवर साइन थीटा यूज़ करेंगे। चले हम पुट करके देखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, हमारा फंक्शन वैसे तो है साइन थीटा ओवर वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा जो है, साइन थीटा डी थीटा ये इक्वल है डी एक्स के, बल्कि ये माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल है डी एक्स के, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसको मैंने वैसे फाइंड कर लिया। तो इधर आप नेगेटिव साइन ले आए, ठीक है, तो ये माइनस डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा डी थीटा आपको आपके न्यूमरेटर में मौजूद है यहाँ पर फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन के न्यूमरेटर में मौजूद है, तो वो इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस डी एक्स के, और डिनोमिनेटर में आप देखें क्या है, वन वन तो उसी तरह से आएगा, वन प्लस कॉस, कॉस आप यहाँ से देखें तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है इज इक्वल टू एक्स के सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू ये पहले हम साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं तो इक्वल है माइनस डी एक्स के। तो हमारा फंक्शन अब जो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो बन चुका है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन को हम बाहर ले जाते हैं, ये माइनस आ गया डी एक्स, यहाँ अंदर हमने पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर,
कि इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर तो मैं कहूँ कि वन प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म बन चुकी है, तो यहाँ पर आप ए टेंजेंट थीटा पुट करें, ठीक है, बल्कि ए तो इस केस में हम पुट करेंगे एक्स को इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि ए इस केस में क्या है, वन है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करें तो आपके पास फॉर्म जो भी बन जाएगी उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, एंड पे रिजल्ट आएगा। मैं उसके डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इस तरह की इंटीग्रेशन हमने पहले सब्स्टिट्यूशन की सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, माइनस साइन ये वाला मैंने उतार लिया, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर का जो यानी कि इंटीग्रल होता है वो होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ठीक है, और प्लस सी हम कर लेते हैं। लेकिन आप देखें, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, हमने इंटीग्रेट तो कर लिया इसको, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में था वो थीटा की फॉर्म में था, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में थी, हमारा जो फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था। तो अब हम ऐसा करते हैं, जिसको वापस हम एक्स को कन्वर्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू किसके था, एक्स हमने यहाँ पर देखा था एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पर हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो एक्स के दोबारा हम कॉस थीटा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस सी। तो ये यानी कि इसकी इंटीग्रल, ये इसका इंटीग्रल ये बनता है, इसकी इंटीग्रेशन ये बनती है, ठीक है। किसकी इंटीग्रेशन हमें फाइंड की है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें फंक्शन गिवन है ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर रूट, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। अच्छा, ये हमें फंक्शन गिवन है, तो हम देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये ए स्क्वेयर है माइनस एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 का हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। चलिए हम लिख के देखते हैं, ए एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इसको इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की, अगर आप एक्स स्क्वेयर को एक्स कंसिडर करें तो। चलें, ये अभी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम किसी और वेरिएबल के या फिर किसी और पैरामीटर के इक्वल जो है वो सपोज कर लेते हैं। चलें, सपोज हम करते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर को जो है हम टी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल आप ले लें तो क्या बनेगा, डी टी इज इक्वल टू 2x dx, और यहाँ से x dx फिर किसके इक्वल बन जाएगा, x dx बन जाएगा 1 ओवर 2 dt इज इक्वल टू x dx, ठीक है। तो चलें अब हम इसको वापस पुट करके देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कि a जो है वो तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर हम लेके आ सकते हैं x ओवर a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर का स्क्वेयर था, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वेयर रूट, और साथ में क्या है dx मौजूद है, x dx। अच्छा, अब हमें इसकी जगह रिप्लेस करना है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है, क्या x dx की जगह आ जाएगा 1 और 2 dt, और जो है x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं, बाहर मौजूद है a, x dx मौजूद है डिवाइडेड बाय क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर उसका होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x dx की जगह हमने क्या कहा था कि 1 और 2 dt पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं 1 और 2 dt, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t, ठीक है, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद है और बाहर a मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने a लिख दिया। तो ये हमारी फॉर्म बन गई है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 ओवर 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो भी हम बाहर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा a ओवर 2, और 1 ओवर a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसको इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू t। अगर इस फॉर्म को आप देखें, इस फंक्शन को आप देखें, तो आपको एक फॉर्म याद आएगी 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
इस केस में हम क्या सब्सटीट्यूशन यूज करते थे, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, और ये सब्सटीट्यूशन यूज करके हमारे पास इसका इंटीग्रल किसके इक्वल आता था, इसका इंटीग्रल हमारे पास आता था साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a के। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्ट जो है ये लिख सकते हैं कि यानी कि अगर इसको हम x सपोज करें, चलें सपोज ना भी करें आप, तो इस तरह से ये पैरामीटर रहने दें, तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या आएगा, a बाय 2 तो पहले से मौजूद है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स में आएगा, साइन इनवर्स ऑफ जो भी यहाँ पर वेरिएबल है ये t है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ t ओवर a, क्योंकि यहाँ पर a की जगह a ही है, 1 नहीं है। ठीक है, अगर 1 होता तो चलें यहाँ पर हम ना लिखते, ठीक है, उसको क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बन गया a बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ t बाय a, और प्लस c भी साथ में लिख देते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ से हम इसका रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास जो है क्वेश्चन t की फॉर्म में नहीं है, x की फॉर्म में, तो t को दोबारा से हम x की फॉर्म में ले आते हैं, a बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ t किसकी जगह हमने सपोज किया था, t को x स्क्वायर की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया था, तो x स्क्वायर हम दोबारा से t की जगह लिख देते हैं, x स्क्वायर ओवर a प्लस c। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रल बनता है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13, अब हम मजीद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है डी एक्स ओवर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि फंक्शन है, तो इसको मतलब हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो इसमें क्या डिफरेंस है पहले फंक्शंस के रिस्पेक्ट से, अगर आप देखें तो इसमें क्या डिफरेंस आपको फील होता है। अब यहाँ देखें कोई यानी कि इसमें वो फार्मूला नहीं बन रहा कि या थ्योरम नहीं बन रहा, तो इसमें कोई सब्सटीट्यूशन भी नहीं बनती। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे कि आप इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व ऐसे करेंगे, चले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि 1 ओवर या डी एक्स ओवर लिखते हैं, डी एक्स ओवर 7, इन दोनों में से मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल है, और इस तरह से आगे हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको हम किस तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर यूज़ करें तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लाते हैं, चलिए देखते हैं। dx ओवर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो वो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। अगर मैं 7 को इस तरह से लिखूं, उसके बाद माइनस है और ब्रैकेट के अंदर आप देखें यहाँ पर हम अब कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे, एक्स का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2a, a यहाँ पर क्या है, x है, b की जगह मैं क्या लिखूं कि ये 6x बन जाए, 3 आना चाहिए ना, तभी 6x बनेगा ना, 2x into 3 6x बनता है। ठीक है, अब हमने x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, b यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया हमने, ये खुद से ऐड किया क्योंकि ताकि ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, तो इसी तरह से हम माइनस भी कर देंगे, माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हमने माइनस भी कर दिया, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में होल स्क्वायर तो अभी तक बना नहीं है, चलें बनाते हैं, 7 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखें, चलो मैं अंडरलाइन इसको करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर जो है हमने खुद से ऐड किया था, चलिए मैं माइनस 3 के स्क्वायर को माइनस 9 लिख देते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें, साथ में इंटीग्रल साइन भी आता जाएगा, अगर हम अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या बनेगा, डी एक्स ओवर 7 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो 7 प्लस 9 क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर ये 16 बन जाएगा, यानी कि डी एक्स ओवर 16 माइनस
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसा करते हैं कि डी एक्स ओवर 16 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 को हम लिख सकते हैं, माइनस क्या है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर आप अब इस फंक्शन पे गौर करें तो क्या आपको समझ आएगी कि अगर ये वेरिएबल फॉर्म है, वेरिएबल का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्म बनी है, वेरिएबल हम यानी कि एक्स प्लस थ्री को वेरिएबल कंसिडर करें तो ये एक्स बनता है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब फॉर्म होती है तो हम उसमें एक्स को क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तब करते हैं ना, तो यहाँ पर तो एक्स नहीं है, एक्स प्लस थ्री है, तो यहाँ पर हम एक्स प्लस थ्री को ही सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। लेकिन ए इस केस में क्या है, फोर है, क्योंकि ये ए स्क्वायर होता है ना, ये ए स्क्वायर होता है और ये एक्स स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, फोर है, और एक्स क्या है, एक्स प्लस थ्री है, तो इसलिए एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस थ्री रखा, ठीक है। उसको हमने सब्सटीट्यूट किया, फोर साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ए मैंने अभी तक लिखा हुआ है, तो ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे फोर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने यानी कि सब्सटीट्यूशन अब यूज़ करनी है, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर साइन ऑफ थीटा। अब सब्सटीट्यूशन के बाद हम क्या करते होते हैं कि दोनों साइड पे यानी कि डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फोर कॉज ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास यानी कि सब्सटीट्यूशन का रिजल्ट आया है। तो अब हम जो जो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर करते हैं, मतलब कि एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बल्कि एक्स प्लस थ्री की जगह क्या आ जाएगा, फोर साइन थीटा। चलिए पुट करते हैं, डिफरेंट कलर मैं चूज कर लेता हूँ, रेड कलर चले कर लेते, ठीक है। तो वन ओवर फोर का स्क्वायर, तो चलें फोर का स्क्वायर ही रहेगा, फोर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, फोर साइन थीटा का होल स्क्वायर, फोर साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। उसके अलावा न्यूमरेटर में डी एक्स मौजूद है, अब यहाँ से देखें तो ये न्यूमरेटर में डी एक्स मौजूद है, डी एक्स किसके इक्वल है, डी एक्स इक्वल है फोर कॉस थीटा इंटू डी थीटा के। तो यहाँ पर हम डी एक्स की जगह हम लिखेंगे फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास यानी कि आफ्टर सब्सटीट्यूशन जो हमारा फंक्शन बना है वो ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ कि फोर इसमें से बाहर चला जाएगा, फोर ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, फोर का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो उसके अलावा आप अगर अपना फंक्शन देखें तो हमारा फंक्शन क्या है, सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने थोड़ा एक चीज़ मिस कर दी थी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ सबके ऊपर यहाँ से स्क्वायर रूट भी मौजूद है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ, यानी कि एंड पे आकर यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट भी मौजूद है, ठीक है। तो बाकी आप कर लीजिएगा, ये फोर जो इंटीग्रल से हम बाहर ले आते हैं और यहाँ पर डी थीटा मौजूद है। अच्छा, अब क्या है कि फोर स्क्वायर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो फोर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर बाहर फोर आ जाएगा, मतलब कि ये फोर पहले से मौजूद है और नीचे भी फोर आ जाएगा डिनोमिनेटर से, यानी कि कॉमन लेकर हम फोर बाहर आए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया है तो ये स्क्वायर बनता है, साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है और डी थीटा। आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप आइडेंटिटी यूज करें, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन
स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है। वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये है वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा, इसके जगह कॉस स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर कॉस बन जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और 4/4 आपस में कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं है 1 को, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या है कि cos थीटा और cos थीटा है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बच गया 1 डी थीटा, और डी थीटा के रिस्पेक्ट से 1 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा थीटा तो आ गया, अब थीटा किसके इक्वल है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था x की फॉर्म में था, वेरिएबल x यूज़ हो रहा था, रिजल्ट हमारा थीटा में आ रहा है, तो हम इसको दोबारा से x की फॉर्म में लेके जाने के लिए हम अपनी सब्सटीट्यूशन को यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन क्या थी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ थीटा, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x प्लस 3 ओवर 4, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 ओवर 4, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू साइन थीटा, और हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ओवर 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको पुट कर देते हैं, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 ओवर 4 प्लस सी, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन रहा है हमारी इंटीग्रेशन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से आगे क्वेश्चन थे 22 तक, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करें तो उम्मीद है कि वो आपसे हो जाएंगे। अगर कोई उसमें मसला आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, तो मैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 भी कम्प्लीट होती है।